दोस्तों, ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी 70 के दशक की एक मशहूर अभिनेत्री रही है। उनका जन्म 16 अक्टूबर 1948 को हुआ था। इतनी उम्र होने के बावजूद उन्होंने खुद को काफी फिट रखा हुआ है। आज भी उनकी खूबसूरती के लोग कायल हैं। हेमा ने इंडस्ट्री को कई हिट फिल्में दी हैं। हेमा और शाहरुख खान को लेकर एक बात कम लोग ही जानते होंगे, वो ये कि हेमा की वजह से शाहरुख गौरी अपनी सुहागरात नहीं बना सके थे। शाहरुख और गौरी की शादी 1991 में हुई थी। शाहरुख खान शेरवानी में और गौरी दुल्हन के जोड़े में सुहागरात के लिए अपने फ्लैट पर पहुंचे ही थे कि हेमा मालिनी के एक फोन ने पूरा प्लान ही बदल दिया। हेमा ने फोन कर कहा कि अगर वह चाहे तो शूटिंग सेट पर आ सकते हैं, क्योंकि हेमा और धर्मेंद्र शूटिंग के लिए स्टूडियो जा रहे हैं। शाहरुख को लगा कि गौरी उन दोनों की बहुत बड़ी फैन है और यह उसके लिए एक अच्छा सरप्राइज हो जाएगा कि उसे हेमा और धर्मेंद्र का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। वहीं शाहरुख के स्टूडियो पहुंचने के बाद उन्हें पता चला कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी अभी नहीं आए हैं। स्टूडियो के एक कमरे में शाहरुख गौरी के साथ हेमा और धर्मेंद्र का इंतजार करने लगे। उस छोटे और बिना प्लास्टर वाले कमरे में लोहे की कुर्सियों पर बैठकर इंतजार करते रहे। उन्हें कई घंटे बीत गए। रात के करीब 11 बजे शाहरुख शूटिंग के लिए चले गए, इस उम्मीद के साथ कि धर्मेंद्र और हेमा अभी आते ही होंगे और गौरी की उनसे मुलाकात भी हो जाएगी। रात के 2 बज गए और धर्मेंद्र हेमा मालिनी नहीं आए। शाहरुख जब उस मेकअप रूम में लौटे तो भारी भरकम साड़ी पहने गौरी थकान से उस कुर्सी में नींद में लुढ़क चुकी थी। शाहरुख और गौरी की लव स्टोरी के बारे में हर कोई जानता है। अलग धर्म होने की वजह से दोनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। इन सब के बावजूद आखिरकार दोनों एक होने में कामयाब हो गए। 26 अगस्त 1991 को शाहरुख और गौरी ने कोर्ट में शादी कर ली। बाद में इन दोनों का निकाह भी हुआ, जिसमें गौरी का नाम आयशा रखा गया। इसके बाद 25 अक्टूबर 1991 को हिंदू रीति रिवाजों के मुताबिक दोनों की शादी हुई।